देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही एक बिजनेस लेटर हम कैसे बना सकते हैं और उसको प्रॉपरली टाइप करने का तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने कंप्यूटर में लोड करना है। तो किस तरह से लोड करना है, यहाँ पे सर्च करना है, डब्ल्यू सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं सर्चिंग से, यहाँ टाइप करते हैं WORD वर्ड, और जैसे लिखेंगे सबसे टॉप पर आ जाएगा, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। तो जैसे क्लिक करेंगे ये आपके सामने लोड हो जाएगा। जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड आपके सामने होगा तो ये एक ब्लैंक फाइल लेकर आपके सामने लोड होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है तो ये ब्लैंक फाइल आपके सामने खुल जाएगी जो कि एक न्यू फाइल होगी। इसके बाद आपने यहाँ से क्लिक करना है सेव के बटन पर। अच्छा, थोड़ी सी हैंडलिंग बता दूँ मैं इसकी, इंटरफेस की। देखिए ये इसका ऑफिस रिबन है, ये इसका टैब है, सेक्शन है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, ये फाइल का मेन्यू है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें ये सेव, अंडू, रीडू, न्यू, ओपन के बटन से यहाँ से आप इनको अनचेक और चेक भी कर सकते हैं जो कमांड चाहें। ये टाइटल बार है जहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ आ रहा है और जो आपकी फाइल का नाम है इसमें रखा है डॉक्यूमेंट वन, उसको भी हम चेंज करेंगे। ये कंट्रोल बॉक्स है, ये रिबन को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो हाइट पर रख दें, जब क्लिक करेंगे एक्टिवेट होगा, जब यहाँ क्लिक करेंगे इनविजिबल हो जाएगा। दोबारा से क्लिक करके शॉर्ट टैब्स एंड कमांड कर दें, फिर एक ऑप्शन है इसके अंदर शॉर्ट टैब्स, तो खाली टैब्स नजर आएंगे। तो देख लें फिर जैसे आप चाहें इसको एक्सेस करना वैसे आप इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करेंगे एक्टिवेट हुआ, यहाँ क्लिक किया फिर चला गया, और यहाँ से जाके आपने सेव पर क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया, तो ये आपसे कह रहा है आपकी फाइल को आपको कहाँ सेव करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी फाइल कहाँ सेव कर रहे हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी वहाँ से उसको सर्च कर सकें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी फाइल कहाँ सेव कर रहा हूँ, मैं गया हूँ डॉक्यूमेंट्स पे, आपने अपना कोई फोल्डर बना लेना है वट एवर, किसी भी अब नाम से, अपने नाम से और फाइल्स के नाम से, और फिर उसको चले जाएँ। तो यहाँ से मैं चला गया वर्ड फाइल्स के अंदर, और वर्ड फाइल्स के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ से क्लिक किया, और यहाँ से क्लिक करके मैं चला गया एक और फाइल के अंदर जिसका नाम था सक्सेस, और यहाँ जाके मैंने इसको नाम रख लेना है। आपको क्या नाम रख लेना है, मुझे इसका जो भी नाम रखना है, मैंने इसका नाम रखा Class 02 अब बिजनेस लेटर, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट बिजनेस लेटर, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी फाइल का नाम रख दिया, और ये लिखने के बाद इसकी फाइल की टाइप होती है DOCX, और इसका जो आइकॉन है वो किस तरह का W कलर का, ब्लू कलर का W होता है। अब यहाँ से क्लिक करके मैंने सेव किया, ये ओके किया, ये मेरी फाइल तो सेव हो गई। मुझे कैसे पता चलेगा मेरी फाइल सेव हो गई, ये देखिए ऊपर टाइटल बार के ऊपर इस फाइल का नाम लिखा हुआ आ जाएगा और आगे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा आ जाएगा। सो नाउ मेरी फाइल अब क्लियर है कि क्रिएट हो चुकी है, और अब मुझे इस पर करना शुरू करना है काम। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया तो बिजनेस लेटर यहाँ खुला हुआ है। अब देखिए मैंने आपको एक शॉर्ट की बताई थी प्रोग्राम चेंज प्रोग्राम सिलेक्शन की, तो मैं यहाँ से यूज करूंगा ऑल्टर टैब। तो ये देखिए मैं इधर आ गया, ऑल्टर टैब, तो मैं इधर आ गया, इस तरह से स्विच कर करूंगा। अब जो इसके अंदर ये टाइप करना है किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे बिजनेस लेटर डेट एड्रेस डियर और जिसके नाम पे लिखा जाना है। तो मैंने यहाँ पर टाइप करना शुरू किया, एंटर, एंटर करने में एक नया पैराग्राफ शुरू हो गया डेट, और फिर यहाँ पे आ गया एड्रेस, और यहाँ आ गया डियर मिस्टर एंटर जिसके नाम पे लिखना है, और फिर जो टाइप करना है इसके अंदर इनक्लोज इज रिपोर्ट एस्टिमेटिंग आवर पावर कंजम्पशन। अब इसमें एक और चीज आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश का वर्ड गलत लिख देते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाएगी। और दूसरी चीज आपने ये बता रहा हूँ कि अगर आपका पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो आपने लाइन के एंड में इंटर नहीं दबाना है टिल वो पैराग्राफ कंप्लीट नहीं होता, ये ऑटो लाइन चेंज कर देगा। देखिएगा एज रिक्वेस्टेड बाय जॉन ब्रेनन, ठीक है। अब देखिए मेरा यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है लेकिन मुझे एंटर नहीं दबाना क्योंकि ये पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट हो रहा है। वॉइस प्रेजेंट ऑन सर परफॉर्म, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ कंटिन्यू, मैं एंटर नहीं दबा रहा, खुद ही लाइन चेंज करेगा। ये जो लाइन इसने चेंज करी है विद इन पैराग्राफ चेंज करी है, देखिए इस वाले पैराग्राफ में लाइन चेंज करनी, ठीक है, ये मैंने टाइप करा। अब चूंकि मुझे पैराग्राफ चेंज करना है तो एंटर दबाऊंगा, दो लाइन का गैप आ गया। द रिपोर्ट इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल मीटिंग, और उसके बाद विद जेमी आंसर, और देखिए एंसन जो है वो बेसिकली इंग्लिश का वर्ड नहीं है लेकिन ये इनका नाम है,
इसको मुझे ये कह रहा है कि आपको ऐसे सजेशन दे रहा है। अब जिस पर सजेशन दे रहा है उस पर आपने, अभी हम उस पर काम नहीं करते, आगे चल के काम करेंगे। एंसन मैनेजर ऑफ प्लांट ऑपरेशंस, जो लेटर मुझे कैपिटल लिखना है वो शिफ्ट के साथ लेता जा रहा हूं मैं। ओके अभी भी मेरा पैराग्राफ कंटिन्यू है तो मैं यहाँ पे इंटर नहीं दबा रहा हूँ। अभी भी इंटर नहीं दबा रहा, यहाँ के इंटर दबाऊंगा जब मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहीं पे रख रहा हूँ और फिर मैं इसके आगे थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ एक रैंडम टेक्स्ट आपके लिए। ठीक है, ताकि इसका फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिए। ओके ये आपका कंप्लीट हो गया समझने लेकर, और फाइनली ये लास्ट में आपने सिंसियरली, मैं गलत लिख रहा हूँ स्पेलिंग, आप ये नहीं समझिएगा मैं जान करके ही उसको लिख रहा हूँ, मैं केयर नहीं कर रहा हूँ, भले गलत हो रही तो होने में। कंट्रोल एस करता जा रहा था जब तक मैं इसको टाइप करता जा रहा था वर्ड बाय वर्ड, कंट्रोल एस शॉर्ट की है सेव करने के, अपडेट होता जा रहा था। अब ये मेरा टाइप हो गया, इसके अंदर देखिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रहे होंगे, जैसे कि ब्लू लाइन रेड लाइन। ये ब्लू लाइन रेड लाइन क्या है? ये सिर्फ इंडिकेटर है, प्रिंट में नहीं आएंगे, प्रिंट में नहीं आएंगे, तो ये स्क्रीन की हद तक जरूरत है। ये बता रहा है कि भाई जो तुमने इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं ना, जिनकी स्पेलिंग गलत है या उनमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो देख लो। ब्लू लाइन ग्रामर मिस्टेक को आपको इंडिकेट कर रहा है, रेड लाइन जो है आपको स्पेलिंग मिस्टेक पे कंडक्ट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना खुद का जाती एक डिक्शनरी मौजूद है, तो आप उसको ये सजेशन भी आपको देगा। कैसे देगा? देखो मैं पे राइट बटन दबाऊंगा जाके, क्या लिखा क्या आ रहा है, करेक्ट हो गया। उस पर राइट बटन दबाऊंगा, कंजप्शन के तीन ऑप्शन दे रहा है मुझे, चलने के ले लिया। एंसन पे राइट बटन दबाऊंगा, कह रहा है ये चार पांच सजेशन है आपके लिए, इससे कोई भी ले लो। ऑपरेशंस ऑपरेटिंग, अब यहाँ पे था ऑपरेशंस प्लांट ऑपरेशंस, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग से रिलेटेड दिखा रहा है, तो मुझे ये वर्ड खुद से करेक्ट करना होगा, ठीक है। सर्वे की स्पेलिंग गलत है, देखिए मुझे सही स्पेलिंग बता रहा है, और यहाँ पे सिंसियरिटी की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा इसको करेक्शन में लाना पड़ेगा। सिंसियरली SINCERE, तो मिलेगा। ओके ये करेक्ट हो गया, तो कुछ चीजों को करना पड़ता है लेकिन ये काफी हद तक खुद भी कर देता है। कंट्रोल एस करके फेस करेंगे और ये हमारा लेटर कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कैसा दिख रहा है ये, तो मैं इसको 100% पे देखूंगा। तो यहां से थोड़ा सा खोलते हैं, मैं इसको 100% पे जूम करूंगा। स्क्रीन के अंदर कोई भी चीज 100% पे जब आप व्यू करेंगे, तो जितने डिस्टेंस पे स्क्रीन है प्रिंट निकलने के बाद, अगर उतने डिस्टेंस का पेपर रखेंगे तो आपको वैसा ही नजर आएगा, और आप अपना डिस्टेंस खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर मैं इसको इतने करीब से पढ़ूंगा तो वैसा नजर आएगा। समझ में आ रही? 100% इसको व्यू पोर्ट है इसका, देखने का सही रहेगा। ओके अब इसके अंदर जो मेजर चेंजेस करनी है वो इसके फॉर्मेट से रिलेटेड है। पहले मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ होम में जाता हूँ और इसके फॉन्ट को बढ़ा के लेकर आता हूँ 14 पर, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट मुझे 14
14 साइज का चाहिए। उसके बाद मैं इसका जो बिजनेस लेटर वाला हिस्सा है इसको क्लिक करके यहाँ से सेंटर करता हूँ पैराग्राफ। देखिए यहाँ से सेंटर मैं पैराग्राफ करूंगा, इसको थोड़ा एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेंटर किया, ये राइट, ये लेफ्ट, ये सेंटर। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज मजीद बढ़ा के 20 तक ले गया और इसको मैंने यहाँ पे बोल्ड किया, मतलब मोटा, और ये अंडरस्कोर कर दिया। ठीक है, अगर इसको कैपिटल करना है तो चेंज केस पे जाके यहाँ से कैपिटल किया जा सकता है। ठीक है, देयर आफ्टर इनको सेलेक्ट किया और इनको भी यहाँ से थोड़ा सा मैंने बोल्ड कर दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इसको नहीं भी कर रहे सबको तो फिर इसको इम्पोर्ट कर, बोल्ड कर लें यहाँ पे इस तरीके से नजर आएगा, और यहाँ पे कॉमा लगा लें। ठीक है, अगर डेट लिखी हुई है तो मतलब यहाँ डेट आपने डाल ली है तो डेट कैसे लिखेंगे, डेट क्या है कि डेट लिखेंगे आप उस पर, सपोज कभी 26 अप्रैल 2024। ठीक है, इसके अंदर लिख दिया और एड्रेस का मतलब है यहाँ एड्रेस टाइप करना है आपने। ठीक है, सपोज कभी एड्रेस है ये अपने यहाँ पे लिख गया, ये हमारा एड्रेस आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ये थोड़ा सा ये सब बोल्ड कर देंगे और इस सेक्शन में डेट को हम थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर देंगे ताकि पता लगे भाई डेट ये है और एड्रेस ये रीजन का। यहाँ पर एक मार्क समझने की कि एड्रेस और इसके दरमियान में इतना डिस्टेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एंटर दबाया, न्यू पैराग्राफ है। इस डिस्टेंस को रिमूव करने के लिए इस चीज को आपको जाना होगा यहाँ पैराग्राफ पे और यहाँ पे मिलेगा लाइन स्पेसिंग और यहाँ पर मिलेगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये ऐसे ऐड हो जाएगा। और इस तरह ये अब उसके साथ जो जुड़ गया ऊपर वाला वहां पे थोड़ा स्पेस ऐड करने के लिए आप कहेंगे एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो जो पैराग्राफ आप सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर स्पेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। और फिर आते हैं नीचे वाले सेगमेंट पे कि ये जो आपने मल्टीपल पैराग्राफ होते हैं सारे लेफ्ट साइड पर अलाइन हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको चाहते हैं दोनों साइड पर अलाइन करना तो जैसे सेंटर अलाइन या राइट अलाइन, अब हम चाह रहे हैं इसको दोनों साइड पर, तो ये जस्टिफाई इस तरह से दोनों साइड अलाइन करेगा, जस्टिफाई लो मीडियम एंड हाई, ये बीच के स्पेसेस को खुद ही कंट्रोल करके ऐसे लिख देगा, जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं बेहतर लगे आपको। ठीक है, नीचे आ जाए सिंसर्टी वाला मामला, तो यहाँ पे एक एंटर दबाएंगे तो ये देखिए आपका काम दूसरे पेज पर शिफ्ट हो रहा है, नो प्रॉब्लम होने दें। इसको यहाँ पे क्लिक करके हमने थोड़ा सा बोल्ड किया ताकि थोड़ा हाईलाइट रहेगा। यहाँ पे जैसे टेक्स्ट नीचे आप उसको ऊपर लेना चाह रहे हैं तो डिलीट का बटन दबाएंगे तो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। अब इस पर क्या है कि इनके अंदर स्पेसिंग का थोड़ा सा इशू है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इनके बीच के स्पेसेस खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है एबीसी, मतलब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, बेसिकली मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ से इसको हमें अपना नाम लिखना है, यहाँ पर हम अपना कोई अगर डेजिग्नेशन है तो वो लिखेंगे और यहाँ अपना ईमेल एड्रेस और फाइनली लास्ट में अपना कॉन्टेक्ट लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं चीजें ताकि वो पता चले कि लिखने वाला कौन है शख्स जो इसको लिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं सिंपली करके, और ये आपका फर्स्ट बिजनेस लेटर बिल्कुल रेडी हो चुका है जो आपने इसमें टाइप किया है। ये प्रॉपर लेटर का फॉर्मेट है, प्रॉपर लेटर का फॉर्मेट है जिस तरह से आप देख रहे हैं। ठीक,